नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, घर परिवार में अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, मतलब सब अच्छा अच्छा चल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ मैं कि सब अच्छा ही होगा। तो हम इस जीडी स्पेशल बैच में हम चल कर रहे थे कंटिन्यू प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, और आज डे 8 है और कुछ नए सवालों के साथ भाई आपके सामने आए हैं। तो आज का पहला सवाल पेश है भाई आपकी स्क्रीन पे। तो क्या कुछ कहा गया है? देखना जरा इस सवाल में। एक थोक विक्रेता है, एक थोक विक्रेता ने एक जैकेट की खुदरा विक्रेता को बेच दिया। कितने परसेंट लाभ पे? 5% लाभ पे। और खुदरा वाले ने किसी कस्टमर को बेच दिया 10% लाभ पे। फाइनली वो चीज़ कितने की हमने सेल करी? तो 4158 रुपये में सेल कर दी। अब आप जरा ये बताइए कि वो जो हमारे पास स्टार्टिंग में थोक विक्रेता था, उसने कितने रुपए की वो चीज़ खरीदी होगी? तो हमने कहा कि भाई एक्स रुपए में खरीदी होगी। अब इसने कितने का बेचा? 5% के लाभ पर। 5% को क्या प्यार से लिख सकते हो? 1/20, यानी कि 20 रुपये की चीज़ इसने बेची होगी 21/20 में। फिर दूसरा फ़ायदा हुआ हमें 10% का। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 11/10 में हमने वो चीज़ सेल की होगी। फाइनली हमने वो वैल्यू 4158 रुपये में सेल कर दी। ओके, कट करना शुरू करते हैं। तो भाई कट अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? तो 11 की टेबल से कट किया, ये 3 पे गया, 8 रह गया। 7 से कट किया, फिर 8 रह गया, अब ये 8 पे गया। 21 की टेबल से कट किया तो 21, और ये 8 पे गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो नीचे दो वैल्यू दिख रही है, क्रॉस में जाएगा तो ये हो जाएगा 3600। तो भाई आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा था। और आज के कुछ सवाल हमारे ऐसे ही हैं, चेन सिस्टम, मतलब ए ने बी को बेचा, बी ने किसी कस्टमर को बेचा, या फिर किसी तीसरे बंदे को बेचा। तो इस प्रकार के सवालों की आज हम चर्चा करेंगे, और फिर कुछ और भी नए सवाल होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो क्या कहा गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, देखें जरा। ए ने बी को अपने लागत मूल्य के 1/5 लाभ पर बेचा, मतलब कि ए ने बेचा है किसको? बी को। बी ने बेचा है सी को, और सी ने किसी कस्टमर को बेच दिया। अब देखते हैं किसने प्रॉफिट कमाया है, किसने पैसा गवाया है। भाई हम मान लेते हैं इसने एक्स रुपए की वो चीज़ खरीदी। ओके, ए ने बी को बेचा है 1/5 के प्रॉफिट पे, यानी कि 1/5 का मतलब है कि वो फाइनली बेचा कितना गया? तो 6/5 का बेचा गया। बी ने सी को बेचा 20% लाभ पे। 20% को आप प्यार से कह सकते हो 1/5? हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये कितने का जाएगा? 6/5 में। फिर सी ने बेचा, अच्छा इसमें भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर बेचा सी ने किसी और को 1/6 हानि पे। ओके, इसने तो भाई अपना नुकसान करवा लिया। इसने कितने का बेचा फिर? 5/6 का। फाइनली वो चीज़ हमने 600 रुपये में बेच दी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल। एक्स की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ कितने के बराबर है? 500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रही हैं बातें? पक्का? हाँ जी सर। तो चलो फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया? ए ने एक घड़ी बी को बेच दी। ओके सर, ए ने बी को बेचा और उसको लॉस हुआ है 12% का लॉस। बी ने सी को बेच दिया, फिर से कितने के प्रॉफिट पे? 12.5% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है जी, हाँ जी। ए ने अगर बी को उसी दाम पे बेचा होता जिस पे बी ने सी को बेचा है, तो बताओ ए का फायदा क्या होता? कहने का मतलब क्या है? ए ने बी को बेचा है 12% के हानि पे, ये तो इसने अभी कहा है। पूछ रहा है कि अगर बी ने जिस भाव पे सी को बेचा है,
ए ने उसी भाव पे बी को बेचा होता तब ए का क्या प्रॉफिट या लॉस होता, ये आपको पता लगाना है। हमने मान लिया कि ए ने चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी थी, 12% की हानि का मतलब है कितने में बेचा होगा, तो आप कह सकते हो 88 में बेचा होगा, ठीक है जी। फिर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट होने का मतलब है कि क्या मैं इसे कह सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/8, तो 88 का 1/8 अगर आप निकालते हो तो कितना होगा 11 रुपये, यानी कि 11 रुपये जोड़ा और सी को इसने बेच दिया। अब सवाल कह रहा है कि अगर ए ने बी को इतने रुपए में बेचा होता, कितने में, 99 में, तब क्या फ़ायदा होता। तब मैं कहता कि भाई साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो मैं तो देख पा रहा हूँ कि ए का नुकसान हो रहा है, कितने परसेंट का, 1% का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है ये चैप्टर, अपनापन महसूस हो रहा है इस चैप्टर में। सवाल नंबर 4 देखो, ए ने बी को बेचा 20% लाभ पे, ठीक है भाई, ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, ठीक है, तो भाई ए ने कितने परसेंट लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे, बी ने सी को बेच दिया 15% की हानि पे। ए 100 रुपये, अगर भाई मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी, तो कितने का बेचा इसने, सॉरी कितने का बेचा होगा, 120 रुपये में, ओके जी। अब इसने इसको 15% की हानि पे बेचा है, 15% जानते हो फ्रैक्शन में कितना होता है, हाँ जी हमें पता है 3/20 होता है। अब इसका अगर मैं 3/20 निकाल दूं, 120 का 3/20 निकालते हो तो कितने रुपये आएगा, 18 रुपये, तो आप 18 रुपये कम करके इसे बेच दोगे 102 में। अब ये पूछ रहा है कि भाई अगर मान लीजिए डायरेक्टली इसको बेचा होता तो कितने का प्रॉफिट या लॉस होता, 100 की चीज़ अगर आप 102 में बेचोगे तो साफ साफ दिख रहा है 2% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप भाई कंटिन्यू अपना काम करते रहें, और सवाल अगर इन केस भाई आपको लगता है कि नहीं आ रहा, तो भाई एक बार दो बार प्रैक्टिस करें, आएगा कैसा नहीं, ऐसा हो सकता है भाई जो आपकी शक्तियों से परे जाए, ऐसा तो कुछ बना ही नहीं ना आज तक जो मानवीय शक्तियों से परे चला जाए, इम्पॉसिबल चीज़ है वो तो। ए ने भाई ये घोड़ा बी को 20% की हानि पर बेचा, ए ने बेचा बी को कितने रुपए में, 4800 रुपये में, और अपना नुकसान करवाया 20%। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भाई ए ने ये चीज़ खरीदी कितने की होगी, पहले तो मुझे यही पता लगाना है, मैं पता लगा के रहूँगा। 20% की हानि होने का मतलब है कि उसने वो चीज़ 80 में बेची थी, अब 80 की वैल्यू मान लीजिए जो 80 है वो 4800 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, मैं इधर साइड में करके बताऊँ, 80 की वैल्यू अगर 4800 है तो 1 की वैल्यू डिवाइड बाय 80, आपको अगर CP निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 6000 रुपये इसकी वैल्यू रही होगी, वो चीज़ मैंने इसको 4800 में बेच दी, कोई डाउट नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, ओके जी। फिर क्या कहा गया, फिर बी ने सी को भाई बेच दिया, और किस भाव पे बेचा तो बताया नहीं इसने, लेकिन एक बात कही, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बताया, इसने कहा कि इस भाव पे बेचा है कि ए को 15% का फ़ायदा हो जाए, इतने रेट पे बेचा है। अब ए को 15% का फ़ायदा हो जाए मतलब इसका 15% निकालो तो आप कहोगे कि भाई ये तो 900 रुपये आएगा, तो 6000 की चीज़ 900 रुपये जोड़ के बेचोगे तो कितने की सेल हो जाएगी, 6900, 4800 की चीज़ थी, इतने की हमने बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है देखना ज़रा, इतने रुपए की चीज़ है इतने बेची, तो आप कह सकते हैं भाई आपका जो प्रॉफिट है वो 2100 रुपये का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई बात, क्लियर है, कोई दुविधा नहीं, हाँ प्यारे बच्चों समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या कहा गया, ए ने एक सामान बेचा किसी और को 25% के लाभ पे, फिर उसने तीसरे को बेचा 25 पे, फिर तीसरे ने चौथे को बेचा है, बस ये सिलसिला चलता रहा और फाइनली ये चीज़ 250 रुपये में हमने सेल कर दी, तो बताओ स्टार्टिंग का मूल्य क्या रहा होगा, ये ढूंढ के लाना है। ओके सर, कितना आसान है,
25% को आप लिख सकते हो प्यार से 1/4। ये चीज़ हमने 3 बार सेल की है, तो 5/4, 5/4 और 5/4। फाइनली हमने ये चीज़ बेच दी कितने की, 250 की। आप जानते हो ऊपर ये टोटल कितना है, 5 5 5 मतलब 125। 125 को मैं कट कर दूँ तो कितने पे जाएगा, 2 पे। अब मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आ जाएगा, 128 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या कहानी है, मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ आपको। एक्स ने वाई को बेचा और वाई ने फिर वापस अपने दोस्त एक्स को बेचा। तो इस ट्रांजैक्शन में आपको पता लगाना है कि एक्स ने आखिरकार कितना पैसा कमाया या फिर गंवाया। ये कहानी है। तो हमने देखा एक्स ने वाई को बेचा, एक्स के पास एक कार थी, ठीक है, मान लेते हैं एक कार थी 1.5 लाख रुपए की या कोई भी वस्तु थी। इसने अपने दोस्त को ये 5% के फायदे पे बेच दी, तो 1.5 लाख का 5% 7500 रुपये, यानी कि बेची कितने की, 157500 में, इतने की वो चीज़ इसने बेच दी। और इसने अपने भाई प्रॉफिट को बुक कर लिया कि भाई 7500 रुपये मैंने कमा लिए। इतनी बात, वो घर पे खुश हो रहा था कि हाँ मैंने 7500 रुपये कमा लिए। भाई वाई, जो वाई है, इसको फिर से कुछ दिक्कत होती है। इसने यही चीज़ 2% के घाटे में बेच दी, 2% के घाटे में बेच। अब 2% अगर मैं इसका निकालूँ तो कितने रुपये आ रहा है, तो ये आ रहा है 3150 रुपये। ओके, तो बेची कितने की इसने वापस यही कार, तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो 154350, यानी कि इतने रुपए में इसने ये चीज़ वापस बेच दी। अब ये देखो भाई, एक्स यहाँ पे सोच रहा है 1.5 लाख की कार थी, मैंने इतने रुपए तो पे कर दिए, तो यानी कि 4350 रुपये इसको भाई एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए उसी कार के। तो ये जो पैसे कमा के यहाँ पे खुश हो रहा था, तो एक्चुअल में इसकी जेब में अब 7500 बचे नहीं हैं। अब इसकी जेब में 7500 में से 4350 तो वापस उसके दोस्त के पास चले गए। तो अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना बचता है, 3150। ये भाई एक्स का प्रॉफिट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है इसमें। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? देखिए दोस्तों, जब भी कभी ऐसे आप दो दोस्तों के बीच लेन देन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस अपना काउंट करेंगे। हाँ सर, ये तो कुछ नई बात बताई आपने। ओके चलो, अगला सवाल देखना क्या कहा गया 8वें क्वेश्चन में। इसमें एक ख़ास बात क्या है, जब भी कभी आप मान लीजिए सेल परचेज करते हैं, अगर आपने दो चीज़ें सेल करी उनका SP बराबर है, पहली कंडीशन, अगर उनका SP बराबर है, पहले पे होने वाला प्रॉफिट उतने ही परसेंट है जितना कि दूसरे पे होने वाला लॉस, ये दोनों सपोज आपस में बराबर हैं, तो भाई इसका मतलब क्या होता है, तो फाइनली आपको लॉस ही होगा ओवरऑल। कितने परसेंट का लॉस होगा, तो भाई ये देख सकते हो आप, इतने परसेंट आपका नुकसान हो जाएगा। क्या कह रहे हो सर? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भाई इतने का लॉस हो जाएगा इसका। तो इसमें सवाल में क्या, आप कुछ तो बचा ही नहीं भाई, मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करो और आंसर बता दो। भाई इसने कहा दो घोड़े हैं, समान मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, एक पे 10% फ़ायदा, दूसरे पे 10% की हानि, तो लॉस ही होगा, बस बात ख़त्म होती है। 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100%, तो 1% बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं था, आसान सा था, एक कॉन्सेप्ट आपने समझना था इसमें। अगला सवाल है जो एग्जैक्टली सेम है, इसी प्रकार का है, कोई भी फर्क नहीं है। आंसर बताएं फटाफट से, क्या आंसर होना चाहिए?
तो आप देख रहे हैं भाई फिर से वही 10,000 रुपये में बेचा गया, मतलब कि SP आपका सेम हो गया। एक पे 20% का फ़ायदा, दूसरे 20% की हानि है। तो बस बात खत्म, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, बताओ क्या होगा? तो 4% की हानि होगी। मेरे से पहले भी भाई आपका आंसर आ जाना चाहिए था ये, ठीक है? तो 4% की हानि हो जाएगी, कुछ खास था नहीं। ये सवाल बेहतरीन है और ये भाई 1999 में आया हुआ क्वेश्चन, काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है? ओल्ड इज़ गोल्ड, याद है आपको इस बात, ये कहावत। तो एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा गया, क्या SP सेम हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल। एक पे आपको 20% की हानि है, दूसरे में 20% का फ़ायदा है, तो प्रॉफिट भी है लॉस भी है, दोनों इक्वल भी है, तो ये वही तो बन गया। यानी कि ओवरऑल क्या हुआ होगा? ओवरऑल मेरे को लॉस हुआ होगा। कितने परसेंट का लॉस हुआ होगा? तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। क्या हम इसे कह सकते हैं 4%? क्या मैं 4% को प्यार से लिख सकता हूँ 1/25? यानी कि मेरे को इतना तो लॉस हुआ ही होगा। और इसका मतलब क्या है? 1 रुपये लॉस है टोटल, 25 रुपये टोटल CP, और SP की बात करूँ तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? 24 रुपये मेरा SP हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया इसके बाद? आपके पास जो सेलिंग है वो 1-1 लाख रुपए है, यानी कि आप कह सकते हो टोटल जो है वो 24 सेलिंग प्राइस है, वो कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये 2 लाख के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो एक की वैल्यू 2/24 लाख। और अगर मैं सोल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1/12 लाख। आपको ये रुपीज़ में पता लगाना था इसलिए थोड़ा सा काम बढ़ गया, यानी कि आपको इस बार क्या हुआ है? लॉस कितने का? 1/12 लाख का। बात समझ में आ गई? अब इस बार रुपीज़ में पता लगाना था, इससे पहले जो सवाल थे उसमें परसेंटेज में पता लगाना था। तो कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा ही था, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक खरीदार ने 19,500 में 2 घर खरीद लिए, एक को 20% हानि पे। ध्यान रखना, 2 घर इकट्ठे खरीदे हैं टोटल 19,500 में, एक पे हानि है 20% की, दूसरे पे 20% का लाभ है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है जी। तो मैंने माना पहला, इस पे मेरे को 20% की हानि हुई है, तो क्या आपने ये 80 में बेचा होगा? हाँ सर बिल्कुल। और दूसरे पे आपको 15 का फ़ायदा हुआ है, तो 115 में बेचा होगा, ये बात भी सही है। 100 से 100 कट गया, इसको इसके डिवाइड में लेके आएंगे, 80 को उधर लेके जाएंगे भाई। अगर मैं इसे 5 की टेबल से कट करता हूँ तो 23 और 16 ये इसकी रेशो बनेगी। अब देखो जरा, पहला नंबर 23 का मल्टीपल, दूसरा नंबर 16 का मल्टीपल, तो मुझे तो ये बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब बाकी तुम्हें लगता है कि हम इसको भाई प्रॉपर तमीज़ से डिवाइड करेंगे तो आप कर सकते हैं, हालांकि आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से इतने से ही काम चला सकते हैं 23 का और 16 का मल्टीपल देख के। ओके सर, चलो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ वैसा ही है, मामूली सा चेंज मुझे दिख रहा है इसमें। तो 2160 रुपये टोटल CP है, पहले 15% का लाभ है, दूसरे पे 9% की हानि है, और ना उसे लाभ होता है ना हानि होती है, कुल मिला के एक जगह जितना कमाया था दूसरी जगह उतना ही खर्च कर दिया, तो कुछ कमाया ही नहीं। तो मान लीजिए मैंने ये माना ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, पहले पे क्या कहा गया? 15% का फ़ायदा है, तो क्या आप इसे कह सकते हो कि पहले को मैं 15 के फ़ायदे पे बेच रहा हूँ? हाँ जी। और सेकंड को आप कह सकते हो कि मैंने इसे 9% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब है कि आप इसे कितने में बेच रहे हैं? 9% की हानि, इससे ये कैंसिल, फर्स्ट और सेकंड 9/15, यानी कि जो रेशो है वो है 3:5। अब ये देखो जरा, पहले वाला नंबर 3 के पहाड़े का होना चाहिए, क्या ये 3 के पहाड़े का है? नहीं। ये क्या 3 के पहाड़े में है? 5, 3, 8 और 1, 9 बिल्कुल आ रहा है। क्या ये 3 के पहाड़े में है? हाँ जी बिल्कुल। अब एक बात नोटिस करें, पहले वाला नंबर 3 के पहाड़े का और बाद वाला उससे ज़्यादा है। अब ये वाला 3 के पहाड़े का तो है लेकिन बाद वाला नंबर कम है, कम है तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है,
ये तीन के पहाड़े में नहीं आ रहा इसलिए गलत है, ये तीन के पहाड़े में नहीं आ रहा इसलिए गलत है, बस बात ख़त्म होती है। बात समझ पा रहे हो? हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात। चलो फिर अगले सवाल पे आ जाओ। ओके, ये तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, एक बार आप पढ़ें ज़रा इसे, मेरे ख्याल से समझ भी पा रहे होंगे क्या कुछ है इसमें। 15 किताब को 150 रुपये से लेके 300 के बीच में आप खरीद सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आपके पास एक किताब है, आप चाहो तो उसे 150 से लेके 300 के बीच में खरीद सकते हो, लेकिन जब बेचने की बारी आएगी तो आप उसे 250 से लेके 350 तक के बीच में बेच सकते हो। अब ये आपकी अपनी कला है कि आप उसे कितने में बेच सकते हो। 15 किताबों पे आपने पता लगाना है कितना मैं कमा सकता हूँ। मैं तो भाई यही करूँगा, सबसे सस्ती किताब खरीदूँगा 150 रुपये में और उसे सबसे महंगे रेट पे बेचूँगा 350 पे। कितने का प्रॉफिट कमा लूँगा? तो मैं 200 रुपये का एक किताब पे, पर मुझे तो 15 किताबें बेचनी है, तो सर इसमें तो पैसा ही पैसा होगा, यानी कि 3000 रुपये। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बिल्कुल ओके। क्या कहा गया? एक फुटकर विक्रेता रिटेलर है, उसने भाई अंकित मूल्य MRP से 40% डिस्काउंट प्राप्त किया। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए उस पे टैग लगा हुआ था 100 रुपये का, तो दुकानदार ने वो चीज़ कितने की खरीदी? 40% कम में। यही तो होता है, MRP से ऊपर तो दुकानदार ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो कम में ख़रीदेगा तभी तो कस्टमर को वो बेचेगा भाई MRP पे। हाँ सर ये तो है। फिर क्या हुआ, इसने वापस जब किसी को चीज़ ये बेची तो MRP पे ही बेची, मतलब कि 100 रुपये में ही बेच दी। तो 60 रुपये की चीज़ कितने की हमने बेच दी? 100 रुपये की। कितना लाभ हुआ? तो हमने देखा 40% का प्रॉफिट हुआ, मतलब सॉरी 40 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज तो हमें निकालना है, तो ये 60 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आपको याद आया परसेंटेज में आपने पढ़ा था 2/3 फ्रैक्शन में क्या होता है? हाँ सर याद है थोड़ा थोड़ा, ये लो। तो भाई एक्चुअल में ये होता था, तो उस थोड़े थोड़े को भाई अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर अपने आप ही सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है भाई? भाई ये जो ज्ञान आप इकट्ठा कर रहे हो ये एक आध दिन का खेल नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे जैसे आप भाई इसके अंदर डूबते जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो ही रही है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। एक आदमी ने एक टेबल और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीद ली, दोनों खरीद ली, कुल मिला के 500 रुपये में दोनों चीज़ मिल रही थी, तो हमने ले ली। टेबल को 10% की हानि पे, कुर्सी को 10% के लाभ पे। एक तरफ है भाई टेबल, दूसरी तरफ है चेयर, ये लिख दिया मैंने। जब मैंने घर पे जाके देखा तो मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपये का फ़ायदा दिख रहा था मुझे, बस 10 रुपये का। यानी कि 500 रुपये लगा के मैंने सिर्फ 10 रुपये ही कमाए थे, ये क्या हो गया? 500 रुपये लगा के आपने सिर्फ 10 रुपये कमाए हैं, क्या आप कह सकते हो कि बस आपने 2% से काम चला लिया? हाँ जी बिल्कुल। तो 2% को मैंने लिखा यहाँ बीच में, पेन बदल लूँ, मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ इससे। तो भाई हमने क्या करा कि इसमें अलग अलग वैल्यू पता थी और बीच में ये दूसरी वैल्यू आ गई। भाई हमने इसमें लगाया एलिगेशन, 10 और 2 का गैप कितना है? 8, और इसका गैप कितना है? 12। और अगर मैं इसे रेशो में कन्वर्ट करता हूँ तो 2:3। अब 500 को अगर आप 2:3 में बांटते हो तो कितना आ जाएगा? एक तरफ 200 और इसकी वैल्यू 300। इसने पूछा था चेयर का रेट पता लगाओ, तो चेयर की लाइन में तो मैं इसे ही देख पा रहा हूँ, तो 300 रुपये आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लग रही है आपको। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं आपका टारगेट है अपने GD एग्ज़ाम को लेके, और बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो को या अपने किसी भी काम को गंभीरता से लेते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, अधूरे काम भाई कोई रिजल्ट नहीं देते, काम हमेशा अपने कंप्लीट ही करना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 16 पे।
क्या कहा गया इसमें, 1200 किलो चावल बेचे गए, कुछ हिस्से को इस लाभ पे, कुछ को हमने 11 पे, और ओवरऑल जब मैंने देखा तो 7% मैंने कमा लिया। एक तरफ क्या था कि भाई 5% का प्रॉफिट है, दूसरी तरफ भाई 11% का, और तीसरी तरफ 7% का। 11 और 7 का गैप 4, इसका गैप 2, रेशो 2:1, ठीक है। तो ये आपकी रेशो आ गई, यानी कि आपने जो 1200 किलो बेचा था वो आपने इस अनुपात में बेचा था। अब 1200 किलो को जरा आप मुझे बताना क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 400 पे। अब 4 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 800, और इससे करोगे तो 400। पूछा गया था कि 5% वाले लाभ के कितने चावल थे, 5% मतलब ये वाले, तो भाई यानी कि कितने, 800। ये भाई आपका आंसर, ठीक है। तो भाई मैं फिर से चेंज करता हूँ, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। हाँ जी सर, चलो आगे चलो जल्दी। ओके, 17 नंबर सवाल में क्या कहा गया, एक आदमी ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीद ली। ये भाई हमने खरीद ली 1500 रुपये में एक चीज़, 25% के लाभ पे मैंने उसे बेच भी दिया, 25% का प्रॉफिट। अब इसका 25% अगर मैं निकालता भी हूँ तो भाई कितना आएगा, इससे कट करोगे तो अगर मैं देखूँ आप 25 गुना ये करते हैं तो 250 और 125, 375 रुपये। यानी कि आपने वो चीज़ कितने की बेची, 375, मतलब टोटल अगर मैं बात करूँ तो कितने की बिक गई, तो आप कहेंगे भाई 1875 रुपये में। पर सरकार ने कहा रुको रुको, हमारा टैक्स तो दे के जाओ, प्रॉफिट तो कमा लिया। तो आपने कहा ठीक है ले लो टैक्स, तो 75 रुपये आपने टैक्स के तौर पे दिए सरकार को, और आपके पास सिर्फ 1800 रुपये पहुँच गए। फाइनली आपने 1500 की चीज़ 1800 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, 300 का, कितने पे, 1500 पे। कट किया तो 5, नीचे 5 आने का मतलब क्या, 1/5 को आप 20% बोल सकते हो। हाँ जी सर, ये तो हम बोलते ही आए हैं। तो ये आपका आंसर। चलो अगला सवाल तो भाई बड़ा ही खूबसूरत है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं क्या कहा गया 18 नंबर सवाल में। तो इसमें यह कहा गया कि एक फल विक्रेता ने 240 सेब खरीदे, 240 एप्पल, ठीक है, कितने रुपए में, 600 रुपए में। उसमें से क्या हुआ, कुछ खराब हो गई, फिर बाकी को उसने बेच दिया, बेचना ही था और क्या करता, वो रख के खराब थोड़ी करना था, 198 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया, तो बच कितना गया, 798, इतने का वो फाइनली सेल कर दिया गया। ये हमारा SP है टोटल, और जानते हो आपने एक सेब कितने की बेची है, तो 3.5 रुपये की, ये देख पा रहे हो आपने एक सेब 3.5 रुपये की बेची है। तो भाई कितने सेब हमने बेच दिए होंगे, ढूंढ के लाओ। ओके, डेसिमल हट गया, ऊपर 0 लग गई, 7 के पहाड़े से हमने कट करा, बस ख़त्म ही है दोस्तों, आखिरी सांसें हैं इस सवाल की। 228 सेब हमने बेची होंगे, कितनी सेब खराब हो गई, तो 12 सेब खराब हो गई, कितने पे, 240 पे। इससे ये कैंसिल कितने पे, 20 पे, इससे ये कैंसिल 5 पे, 5% सेब खराब हो गई, पर हमने अपना नुकसान नहीं होने दिया, फाइनली हमने प्रॉफिट में बेच दिया और हमारा काम चल रहा है, ठीक है जी, लॉस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया, 30 किलो चावल खरीदे आपने 10 रुपए के भाव से, 35 किलो खरीदे आपने 11 के भाव से, फिर दोनों को आप मिक्स करना चाहते हो और चाहते हो कि 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो किस भाव से मैं इसे बेचूंगा। पहले तो मैं पता लगा लूँ कि एवरेज रेट क्या चल रहा है। 30 किलो चावल है 10 रुपए के भाव से, प्लस 35 किलो मैंने खरीदे 11 के भाव से, देखना कितना पैसा खर्च हो गया। तो आप कहोगे 300 ये हो गए और 385 ये हो गए,
कुल मिला के 685। कितने किलो? 65 kg। ये भाई आपने 1 किलो का सीपी निकाल लिया, पता है इस बात का? हाँ जी। आप इसे चाहते हो बेचना 130% पे, क्योंकि 30% का फ़ायदा है, तो 100 की चीज़ कितने की बिकेगी? 130। ये कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। 1 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 7 पे। 137/10 का मतलब क्या हो सकता है? 13.7। यानी कि आप इतने में ये चीज़ बेच दोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20। चीनी की मात्रा का 5% हमने बेच दिया, उसके बाद भी 5 किलो चीनी बची हुई है, तो चीनी थी कितनी? आपने गाना सुना है, चीनी कम है, चीनी कम है। 5% अगर मैंने बेच दिया तो भाई बच कितना गया मेरे पास? 95%। वो कितने के बराबर है? 5 किलो के। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 5/95। आप 100% की वैल्यू जानना चाहते हो, तो भाई मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से 19। बस इतना ही देख लो, डिवाइड में 19 किसके? बी ऑप्शन के डिवाइड में 19 है। इतने से ही आपका काम चल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो भाई सभी बच्चे। हाँ सर, क्लियर है ना? पक्का पक्का, ओके। तो भाई आज की क्लास में इतने ही सवाल थे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी पिछले कुछ टॉपिक की, वो जाके अपनी वीडियोस कंप्लीट कर ले, ताकि ये पूरा चैप्टर समझ में आए। अभी तक भाई मैं आपका परसेंटेज करवा चुका हूँ, और आज ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में एक नई चैप्टर के साथ भाई आएंगे, डिस्काउंट है उस चैप्टर का नाम, तो वो भी आपस में इंटर रिलेटेड ही चैप्टर हैं। अभी चलेंगे ये CI आएगा, SI आएगा, मतलब परसेंटेज से संबंधित सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। और भाई वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताया करें, और कुछ भी सजेशन हो या कुछ भी आपको अपनी बात कहनी हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताया करें, और वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच भी जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।